बॉलीवुड के रॉबिन हुड कहे जाने वाले सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म दबंग 3 शुक्रवार को रिलीज हुई। इस दौरान इंदौर में सलमान खान फैंस क्लब द्वारा ढोल ताशे के साथ सिनेमा घर पहुंचे और जमकर मस्ती की। आपको बता दें कि सलमान खान यानी कि बॉलीवुड के भाईजान की दबंग और दबंग 2 की अपार सफलता के बाद दबंग 3 आज रिलीज हो चुकी है। सुबह से ही सिनेमा घरों में जहां भारी भीड़ देखी गई, वहीं मल्टीप्लेक्स में भी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्साह देखा गया था। फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही दर्शकों में अपनी पेट जमा चुके हैं। वहीं फिल्म दबंग 3 को देखने के लिए इंदौर में सलमान खान के फैंस क्लब के युवा ढोल ताशे के साथ नाचते गाते फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उम्मीद की है कि दबंग 3 इस बार 500 करोड़ से अधिक का बिजनेस करेगी। बता दें कि फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के महेश्वर के किले और घाट में हुई है। इस दृष्टि में भी मध्य प्रदेश के लिए यह फिल्म अपने आप में खास आकर्षण रखती है। सलमान भाई आ चुके हैं, इसका माहौल यहाँ पर बन चुका है। सलमान भाई की मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, हम सब लोगों के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी थी। जैसे कि इसका टैगलाइन था दबंग 3, तो 3 टाइम्स का ज़्यादा एंटरटेनमेंट इस मूवी में हमने। यहाँ पर भाई का पार्ट हमें सबसे अच्छा लगा है, उनकी कॉमेडी, उनका डायलॉग प्रेजेंटेशन और उनका शर्टलेस बॉडी जो उन्होंने शो करी है हमें बहुत अच्छी लगी। रिलेटिवली प्रचार प्रसार कम इसलिए दिखने में आ रहा है क्योंकि कुछ स्क्रीन साउथ में भी लगी है मूवी और महेश्वर में ही शूटिंग हुई है, तो ऑलरेडी सलमान भाई यहाँ एंगेज थे। काफ़ी समय महेश्वर में हमने उनके साथ में गुजारा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सलमान भाई से कुछ बातें हमने शेयर की, उनसे भी कुछ मूवमेंट्स हमने शेयर की और हमारे फैन क्लब के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो सलमान खान सर का कहना ये है कि आप अगर हेल्प मुझसे भी चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उनके लिए। कितने करोड़ लग रहा है आपको ये मूवी? ये 500 करोड़ प्लस जाएगी।